ये गरम मसाला ये राई और ये जीरा और ये रही कोकोनट पेस्ट गीले नारियल की पेस्ट और ये रही ओनियन पेस्ट और ये जो फिश मैरिनेट करके रखी है इसको हम कालवन में यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कालवन होता क्या है सो लेट्स बिगेन विद प्रोसीजर तो सबसे पहले हम कड़े पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि क्या होगा ना कि अच्छे से तेल स्प्रेड करने के बाद जो मसाला हम इसमें फ्राई करेंगे गीला मसाला वो अच्छे से बुना जाएगा तो ये गया हमारा ऑनियन पेस्ट सबसे पहले तो ऑनियन पेस्ट को हमको इस ऑयल में फ्राई करते रहना है कि जब तक ये एक लाइट ब्राउन कलर में नहीं आ जाता तो क्या होगा ना कि ऑनियन का फ्लेवर हमारे डिश में अच्छे से आएगा जस्ट वी द प्रोसेस जब तक कि हमारा ऑनियन अच्छे से ब्राउन कलर में नहीं आ जाता और जब ब्राउन कलर में ये आ जाएगा तो अब हम इसमें कोकोनट की पेस्ट डालेंगे तो मैं फिलहाल फ्लेम को हाई पे कर देता हूँ ऐसा लग रहा है कि ओनियन की पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो चुकी है तो हम इसमें गीले नारियल की पेस्ट डाल देंगे गोवन डिश की एक खासियत होती है कि उनके हर ग्रेवी में वो लोग गीले नारियल की पेस्ट यूज करते हैं तो यही शायद रीज़न है कि हर एक गोवन डिश का एक अलग ही टेस्ट है इनका टेस्ट कुछ अलग ही होता है तो सबसे पहले ये गई हमारी हल्दी उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर और अपना ना रेड चिल्ली पाउडर टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी किसी को तीखा ज्यादा चाहिए होता है किसी को मीडियम चाहिए होता है लेकिन गोवन डिश अगर तीखी हो ना तो उसमें ज्यादा मजा आता है इसलिए मैंने रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा ज्यादा डाला है तो क्या करना है हमें इन मसालों को यानी कि सूखे मसाले हमने ड्राई मसाला जो हमने डाला है उसको अच्छे से हमें फ्राई करके लेना है ताकि वो मसाले का टेस्ट उसको लग सके आइस भुनने की प्रोसीजर तो पूरी हो गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी ना धीरे धीरे करके डालना चाहिए ताकि क्या होता है ना कि जो गाढ़ापन और पतलापन होता है ना वो हमें समझ में आता है और ग्रेवी कैसी चाहिए ना उसका एक अंदाज़ा आ जाता है नाउ जस्ट कंटिन्यू विद द प्रोसीजर पानी डालने के बाद ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करना है तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो कोकोनट की जो पेस्ट हमने यूज की थी वो ना थोड़ी सी बची है तो हम उसको अच्छे से रब कर, कर करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको यूज करेंगे ताकि तो कोई भी चीज़ ना हमें वेस्ट नहीं घालनी चाहिए एंड एक शेफ होने के नाते मुझे इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए तो इसके मिक्सचर को भी हम इसमें डाल देंगे इसका भी एक अलग टेस्ट आएगा वैसे लगता है ग्रेवी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है जब ग्रेवी इसे बॉईल करने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि वो बन चुकी है तो भी हम क्या करते ना एक साइड पे स्टीम राइस तैयार होने के लिए रख देते ये मैंने रख दिया राइस तो मैं फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर देता हूं ताकि राइस हमारा पक जाए अच्छे से एंड अभी जो मैरिनेटेड फिश के पीसेस हमने रखे थे इसको मैं इस ग्रेवी में डालने जा रहा हूं ताकि हमारे काल्बन को एक अच्छा टेस्ट आए तो प्रोसेस कुछ अलग नहीं है कंटिन्यू प्रोसेस ही है हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना चाहिए सॉल्ट मैंने डाल दिया है अब इसको मैं जरा टेस्ट करके देखता हूँ कहीं कम ज्यादा तो नहीं नहीं परफेक्ट है टेस्ट तो इसका मस्त है और शायद से हमारी फिश भी पक चुकी है तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ हमारे थाली में यूज होने वाली ग्रेवी की डिश यानी कि कालवन तो अब बन चुका है तो मैं फ़्राइड फिश की तैयारी करने के लिए लेता हूँ यह मैंने रख दिया पैन और मैं अब इसमें ऑयल स्प्रेड करूँगा तो ऑयल ना अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए ताकि क्या होगा ना कि जो फिश हम इसमें फ्राई करेंगे वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी और ये मैं उसको ब्रश से स्प्रेड भी कर रहा हूँ तो हमारा ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैं क्या करूँगा जो मैरिनेटेड फ़िश का पीसेस हमने रखा था उसको मैं इस कॉर्नफ्लावर एंड राइस पाउडर के मिक्सचर पर डीप करके अच्छे से रब करूँगा और उसको मैं फ्राई करूँगा तो ये रही मेरी फ्राइंग तो ये फ्राई करते समय ना हमें इस पर लीड ढक देना है ताकि उसका वन साइड जो पक रहा है तो अपर लेयर भी अच्छे से पक जाए तो शायद से जो प्रेजेंटेशन साइड मैंने रखा था वो पक चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर क्योंकि ऑयल की कमी लग रही है इसको मैं टर्न कर देता हूँ देखो अच्छे से ना ब्लैक कलर में आ गई है यानी कि बहुत क्रिस्पी बनेंगी है तो जब तक की हमारी फिश फ्राई हो रही है मैं यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स कट कर लेता हूं ताकि हम इसे गार्निशिंग में यूज कर बिगिन विद विथ फंसाची भाजी तो तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैंने उसमें थोड़ी सी राई डाल दी है तो मैं क्या करूँगा कि जब तक कि राई थोड़ी गर्म नहीं हो जाती उसके बाद हाँ शायद गर्म हो चुकी है तो मैं उसमें जीरा डाल दूँगा तो अभी क्या करना है राई और जीरा को हमें एक टू टू थ्री सेकेंड्स अच्छे से गर्म करने के लिए रखना है उसमें और उसके बाद उसमें हम डालेंगे गार्लिक के कुछ पीसेस उसके बाद ये गए हमारे ग्रीन चिली पीसेस जो हमने कट करके रखे थे तो भी क्या करना है ग्रीन चिली पीसेस एंड गार्लिक को हमें अच्छे से तेल में फ्राई करना है तो उसे क्या होगा उसका जो स्पाइसीनेस है वो हमारे डिश में अच्छे से आ जाएगा तो क्या है ना कि आप सोच रहे होगे कि मैंने एक वेज डिश यानी कि एक वेज आइटम क्यों ऐड किया तो क्या है ना कि गोवा की एक खासियत है उनके हर नॉन डिश में आपको एक वेज सब्डीट्यूट आइटम मिल ही जाएगा तो इसके लिए हमने जो चूज़ किया है वो है फनसाची भाजी क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल डिश है गोवा की और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के कोकन रीजन की भी तो अब हमारे गार्लिक एंड चिल्ली के पीसेस अच्छे से फ्राइड हो चुके हैं तो हम उसमें डाल देंगे जैक फ्रूट के कट किए हुए पीसेस यानी कि फनस के पीसेस तो ये फनस की सब्जी में ना हमेशा कच्चा जैक फ्रूट यूज किया जाता है क्योंकि उसकी वो सब्जी बनती है अब क्या करना है कि इसको पीसेस डालने के बाद हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि उसका टेस्ट आ सके के पीसेस अच्छे से फ्राई होने के बाद हम उसमें डाल देंगे हल्दी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एंड ये मैं डालने जा रहा हूँ पाउडर हींग पाउडर से क्या होगा ना कि उसको एक अच्छा टेस्ट भी आएगा एक अरोमा आ जाएगा और ये मैं उसको फ्राई कर रहा हूँ उसमें हम डाल दूंगा थोड़ा सा पानी पकने तक नौ दिन तो हमारे सारे आइटम्स अच्छे से रेडी हो चुके हैं तो हम हम जाएंगे सर्विंग प्रोसेस की तरफ तो आप देखिए सर्विंग प्रोसेस कैसे मैं कर रहा हूं और इस दृश्य का आप आनंद लीजिए ठीक है तो सबसे पहले ये गए हमारा कालवन उसके बाद मैं फंसाची भाजी डाल दूंगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वेस्ट सब्सिट्यूट हमेशा होता है गोवन थाली में तो ये गई फंसाची भाजी उसके बाद हम डालेंगे सलाड सलाड के बिना थाली में क्या ही मजा आएगा ये गया हमारा ओनियन टमाटो एंड ये मूली उसके बाद मैं इस पर कुरिंडा लिफ स्प्रेड कर दूंगा और थोड़ा सा लेमन जूस भी उसके बाद ये गया हमारा राइस और मैंने रख दिए ये फिश के पीसेस अब आप देखिए कि डिश कैसे लग रही है मुझे तो एकदम ऑसम लग रही है एंड प्लीज़ आप मुझे अपने व्यूज़ दीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी डिश आपको कैसे लगती है मैं अथर्व मालवे आपकी रजा चाहता हूँ थैंक यू